2015 में जब हमने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि 8th ग्रेड का बच्चा जो है वो 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड की चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा है, जो बच्चा 2nd ग्रेड में है वो KG या फिर उससे भी नीचे लेवल की चीज़ें नहीं कर पा रहा है। हम लोग को काफ़ी टाइम लगा ये प्रॉब्लम समझने में, और हम लोगों ने आसपास लोगों से काफ़ी कम्युनिटी में बातचीत भी की, तो हमें ये समझ में आया कि बच्चा ऐसी कम्युनिटी में पैदा हो रहा है, यहीं पे खेल रहा है। बच्चा जब 6 या 7 साल का हो जाता है तब उसका आसपास के किसी स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, तब बच्चे की लर्निंग जो है वो शुरू होती है। तो इसके बीच में जब बच्चा पैदा हो रहा है और जो 6 साल का जो टाइम है उसमें, उसके बीच में जितनी बच्चे की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो उसका पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए, वो उसमें बहुत बड़ा गैप आ जाता है जब तक कि बच्चा 6 साल का या 7 साल का होता है। 2019 में हमने एक बालवाड़ी की शुरुआत की। बालवाड़ी एक इंडियन प्री स्कूल को आप बोल सकते हैं, जो कि NGOs रन करते हैं। तो बालवाड़ी में बच्चे आते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, बच्चे फिज़िकल डेवलपमेंट की काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, बच्चे यहाँ बोलना सीखते हैं, बच्चे खाना खाते हैं। बच्चे का जो ये घर से लेके जो ट्रांजिशन है प्राइमरी स्कूल तक का, उसके बीच में जो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन जो हम अपनी बालवाड़ी के थ्रू बच्चों का लर्निंग गैप कम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो लोकल जो कम्युनिटी है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, वहीं से हम लोगों ने कुछ वुमेन हायर की हैं, हम उन लोगों को ट्रेन करते हैं और वो हमारे फैसिलिटेटर्स बन जाते हैं। ECE मैटर्स हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के थ्रू हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या होता है और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्यों मैटर करता है बच्चों के लिए। जो अर्ली ईयर्स हम बोलते हैं 3 to 6 ईयर्स, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे की लाइफ में।